एक अंगूठे वाली सॉक्स लेके आए हैं, लेडी सॉक्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलाई की बात करूँ तो सिलाई मैंने 11 नंबर लिया हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल ऊल है मेरे पास, ठीक है, ये कोई ब्रांड वाली ऊल नहीं है, नॉर्मल ऊल लिया हुआ मैंने। और इसमें मैंने 30 फंदे डाले हुए। 30 फंदे डालने के बाद देखिए, फंदे डालने के बाद हम यहाँ पे पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। हम ये सिलाई दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। उल्टे तरफ से हमने पूरी सिलाई उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं सीधी तरफ, ये हमारी सीधी तरफ है। तब यहाँ पे पहला फंदा को उतारेंगे हम इस तरह से, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से सारे फंदों को फिर से हम उल्टा उल्टा बनाते हुए सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी दो सिलाई हम यहाँ पे बना लेंगे उल्टी उल्टी, उल्टे तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। जब हम फंदा डालते हैं तो वो हमारी उल्टी साइड होती है और उसका उल्टा दिशा हमारा ये सीधा साइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सिलाई भी उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं, फिर उल्टे साइड आते हैं, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी दो सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं तीसरी सिलाई पे, यानी कि उल्टे साइड। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। कलर आपको जो भी पसंद आप वो ले सकती हैं। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए उल्टी साइड है, हम दो सिलाई बनाने के बाद उल्टी साइड आ गए। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे हम 13 फंदों को यहाँ पे हम इस कलर से बनाएंगे, रेड कलर से, ठीक है। एक इस ग्रीन वाले धागे को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। दो, तीन, इस धागे को इधर लेके चलेंगे। चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और ये 13, ठीक है। 13 फंदों को हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लिया। और इधर देखिए कितना फंदे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 1, 17, ठीक है। तो ये 13 फंदे हमने बुन लिए। एक फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे ताकि यहाँ पे गैप ना है, लेकिन इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, ऐसे लिए हमने, ठीक है। अब ये धागा इधर कर देंगे और इधर फिर से हम सीधी तरफ आ जाएंगे ऐसे। वो फंदा, एक फंदा हमने ग्रीन उतार लिया, उसे बुनेंगे नहीं। अब इस तरह करने के बाद देखिए, ये जो ग्रीन वाला फंदा है इसे सिलाई पे इस तरह से उतार लेंगे। उतारने के बाद यहाँ से अब हम जो ये हमारे 13 फंदे, इसी को हम बुनेंगे और ये फंदा नहीं बुनेंगे। इस तरह से उतारने से बीच में हमारी गैप नहीं आएगी, ठीक है। अब इधर से इन सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे, 13 फंदों को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, 13 फंदों को हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इधर पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए, अब इस जो ग्रीन कलर से अब पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना देंगे। चौथी फंदा इस तरह से उतार लेंगे ताकि यहाँ पे हमारी चेन बने, तो इसे हम ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। सेकंड फंदा से हम यहाँ पे बुनना शुरू कर देंगे ऐसे लिए। अब यहाँ से जितने भी फंदे हैं सभी को हम, एक फंदा में इसलिए उतारा ताकि यहाँ पे हमारी चेन बने साइड में। दो हमने दो लाइन हमने रेड कलर से बनाई, अब दो लाइन हम यहाँ पे ग्रीन से बनाएंगे। अब ग्रीन से पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और जब इस तरह से बुनेंगे तो देखिएगा यहाँ पे गैप नहीं आएगी। हर बार आप भी इसी तरह से बुने, जब बुनेंगे तो फंदा जब उतारना हो, देखो अब इसे हम बुन लेंगे तो यहाँ पे गैप नहीं आएगी। फिर ये हम उल्टे साइड है, उल्टे साइड सारे फंदे ग्रीन वाले उल्टे बुने जाएंगे। बहुत इजी तरीका है ये और बहुत खूबसूरत भी लगती है इसे। अंगूठे वाली सॉक्स आप जरूर बनाए, अंगूठे वाली बिना अंगूठे वाले दोनों ही बना सकते हैं आप इसे।
ये हमने बना लिया, ठीक है। अब इधर आ गए सीधी साइड। सीधी साइड पहला फंदों को उतार लेंगे, जिस तरह से हम सीधा बुनते हैं ऐसे लेंगे, उतारा धागा अपनी ओर करना आपको, और इस तरह से लेंगे सारे फंदों को। यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर उल्टी तरफ आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए उल्टे साइड आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से हम रेड कलर बुनेंगे, ठीक है। तो रेड कलर बुनने से पहले क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रीन वाला फंदा, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। उतारने के बाद सेकंड फंदा से हम कलर चेंज करेंगे और यहाँ से इसे बुनेंगे, इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे ऐसे लिए। अब यहाँ से काउंट करते हुए 13 फंदे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया, 11 12 और ये 13 फंदे हमने बुन लिए, ठीक है। 13 फंदे बुनने के बाद एक फंदा आपको इस तरह से स्लिप कर लेना। स्लिप करने के बाद धागे को इस तरह से, इस धागे को जो ग्रीन धागा है, इससे इधर करते हुए ऐसे कर लेंगे, ठीक है। कर लेने के बाद हम सीधी तरफ आ जाएंगे ऐसे, यहीं से पलट लेना आपको। अब जो ग्रीन फंदा है, इसे आपको बुनना नहीं है, ठीक है। इसे आपको फिर से उतार के उसी सिलाई पे ले लेना है जिसमें हमारे ग्रीन फंदे, ऐसे उतार के इस पे रख लिए। अब जब हम इस तरह से बुनेंगे तो बीच में एक जरा भी गैप नहीं आएगी। अब इसे टाइट करते हुए रेड कलर का फंदा हम यहाँ पे इसे बुन लेंगे। अब यहाँ से सारे फंदों को हम यहाँ पे इस तरह से बुन लेंगे। इसे बुना, अब जो ग्रीन कलर का, इसे भी हम बुन लेंगे। इस तरह से बुन लिए हम। अब इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे ऐसे, इस तरह से भी कर सकती हैं आप। अब यहां से क्या करेंगे, अब ग्रीन कलर का फंदा लेंगे और पूरी सिलाई उल्टे साइड से पूरी ग्रीन बुन देंगे उल्टा उल्टा, और सीधी साइड से भी हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाते हुए फिर हम इस तरफ से आएंगे उल्टे तरफ, फिर हम उल्टे तरफ इसी तरह से बुनेंगे। 13 फंदों को यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा और एक्स्ट्रा लेते हुए धागे को इस तरफ करेंगे और फिर ग्रीन फंदा इस साइड करते हुए जितने भी रेड कलर के जो फंदे हैं उसे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमारी ये धारी जो बन गई है, एक ये रेड वाली, दो, इसी तरह से 18 से 19 धारी आनी चाहिए, ठीक है। तब तक मैं इसको बुनती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। ये जो रेड वाली है, ये हमने 21 धारियां कंप्लीट की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ठीक है। 21 हमने बनाई है। और इधर से अगर ग्रीन धारियां काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। 21 हो गई। और एक लाइन जो हम यहाँ पे प्लेन बनाते हैं, तो 22। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मैंने रेड धागे को कट कर दिया, ठीक है। आपको वीडियो में ऑरेंज दिख रही होगी लेकिन रेड है ये। अब यहाँ से पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए ये सिलाई भी हम इधर से पूरा बना लेंगे, ठीक है। ऐसे लिए हमने और इसे भी हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे और सीधी साइड से भी हम उल्टा उल्टा कर लेंगे। जब हम उल्टी तरफ आएंगे फिर हम यहाँ पे फंदे को घटाएंगे, ये सिलाई पूरी उल्टी आएगी, सीधी तरफ से भी उल्टी, दो सिलाइयां करते हुए उल्टे तरफ आती हूँ। अब देखिए ये हमने इस तरह से हमारे पास 4 धारियां बन के आ गई। एक धारी तो हमने यहाँ पे बनाई थी और एक धारी और, यानी 4 सिलाइयां हो गई। पांचवी सिलाई हम उल्टी साइड पे, अब यहाँ पे फंदे को हम बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लेते हुए हम पहले 11 फंदों को बंद करेंगे। ये 2 का 1 किया, फंदा वापस से चढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 फंदा हो गया, फिर से करेंगे। ये तीसरी बार फंदे को हमने बंद किया, ये चौथी बार फंदे को बंद किया, पांचवी बार फंदे को बंद किया, छठी बार फंदे को बंद किया, ठीक है। ये 7वीं बार फंदे को बंद किया,
फिर से लेंगे, ये आठवीं बार फंदे को बंद किए, ये नौवीं बार फंदे को बंद किए, दसवीं बार, ठीक है, और ये ग्यारहवीं। टोटल हमने 11 फंदों को यहाँ पे बंद कर लिया है। 11 फंदे को बंद करने के बाद देखिए अब यहाँ पे पूरी सिलाई, अब जितनी भी बचे हुए फंदे सभी को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फंदे घटाने के बाद यहाँ पे हमने बंद कर दिया, इधर हमने बुन लिया, ठीक है। तो ये हमारी पांचवी सिलाई थी। अब आ जाते हैं सीधे तरफ छठी सिलाई पे। पहला फंदा उतारेंगे और ये पूरी रो हम यहाँ से फिर से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जब उल्टे तरफ आएंगे तो जो फंदे हमने घटाए हैं उस फंदे को हमें फिर से इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखिए सीधी तरफ से भी हमने इसे पूरा बना लिया, ठीक है। अब उल्टे साइड आ गए। अब उल्टे साइड जो फंदे हमने 11 फंदे घटाए थे उसे 11 फंदों को हमें बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए चाहे तो आप फंदे को इस तरह से बना सकती हैं, ठीक है, फंदे को बढ़ा सकते हैं, या फिर जो लास्ट का फंदा है इसे हमें बुनते हुए फंदे को बढ़ाना है। तो इस तरह से लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लिया हमने। अब इसे बुनेंगे, ठीक है। बुनने के बाद एक फंदा वापस से सिलाई पे चढ़ा देंगे, तो एक हो गया, फिर इसे बुनेंगे इस तरह से, फिर से सिलाई पे चढ़ा देंगे, दो हो गया, फंदे को गिराने नहीं है, फिर ये तीन हो गया इस तरह से, फिर से इसे लेंगे, ये चार हो गया, ठीक है, फिर से इसे बुनेंगे, ये पांच हो गया, फिर से इसे बुनेंगे इस तरह से, ये छह फंदा हो गया, फिर से बुनेंगे, ये सात फंदा हो गया, फिर से बुनेंगे, आठ फंदा हो गया, फिर से बुनेंगे, नौ फंदा हो गया, फिर से बुनेंगे, दस फंदा हो गया, और फिर से बुनेंगे 11 फंदा हो गया। जो हमने 11 फंदे घटाए हुए थे ये 11 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से पूरी सिलाई इधर हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जितनी सिलाइयां हमने इधर की है रेड के बनाने के बाद, उतनी सिलाइयां हमें इधर भी बनानी है। चलिए इधर कर लेते हैं, पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बना लेते हैं। ऐसे लेंगे, शुरुआत से बनाएंगे, ज्यादा टाइट करके नहीं बुनना है आपको, जितना हमने उस साइड बुना है उसी हिसाब से इधर बुनेंगे हम इस तरह से। चलिए तो कर लेती हूँ पूरी सिलाई उल्टा उल्टा। ये हमारी एक सिलाई हो गई, फिर इधर से बुनेंगे दूसरी सिलाई, फिर बुनेंगे तीसरी सिलाई और चौथी सिलाई, फिर पांचवी सिलाई से हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो चार सिलाइयां कर लेते हैं, ये हमारी दूसरी सिलाई होगी। तो पहला फंदा को उतारते हुए हम यहाँ पे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये हम सीधी साइड है, तीसरी ये हमारी दूसरी सिलाई होगी, सॉरी दूसरी सिलाई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरी सिलाई सीधी साइड पे, ठीक है। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से सारे फंदों को हम यहाँ पे फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारे फंदे जिस लाइन में घटाएं उस लाइन से हम काउंट कर रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई, तो इस तरह से कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। आ जाते हैं चौथी सिलाई पे, तो यहाँ पे देखिए सीधी तरफ आ गए हैं, इस समय हम उल्टी तरफ थे, अब सीधी तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथी सिलाई हम कंप्लीट करने के बाद जब पांचवी सिलाई पे आएंगे वहां पे हम कलर चेंज कर लेंगे। इस तरह से करते हुए हम पहले ये सिलाई चौथी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं ताकि दोनों साइड हमारी ये बराबर हो जाए, दो धारियां इधर भी आएगी, दो धारियां हमारी इधर भी आएगी। चलिए तो कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए उल्टी साइड आ गए हैं, ठीक है, उल्टी साइड है। अब यहाँ पे अब कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे और यहां से हम टोटल फिर से 13 फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदा हो गया, ग्रीन कलर को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, ये दो फंदा, अब इस धागे को आगे आगे ले चलेंगे ताकि यहां ना दिखे, तीन फंदा, चार फंदा, सॉरी चार, फिर से लेंगे पांच, फिर से लेंगे छः, फिर से लेंगे सात, आठ, नौ, दस और एक ग्यारह, बारह और ये तेरह, तेरह फंदों को हमने बुन लिया, दो चार छः आठ दस बारह और एक तेरह, और एक फंदा हम बिना बुने इस तरह से लेते हैं ताकि हमारी यहाँ पे गैप ना आए। अब आ जाते हैं सीधी तरफ, ठीक है। सीधी तरफ आने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब ये जो रेड कलर का फंदा आगे करेंगे, अब देखिए ग्रीन कलर का धागा इधर कर लिए हमने लेकिन इसे बुनेंगे नहीं, इस तरह से उतार लेंगे, ठीक है।
और जो रेड कलर का फंदा उसे ही हमें बुनना है। तो रेड कलर के फंदे हमारे 11 हैं, तो इस तरह से इधर से हम बना लेते हैं इसे ऐसे, ठीक है। अगर आज की वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसे लगती है और समझाने का तरीका आप सबको कैसा लगता है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें आप लोग। तो इस तरह से करते हुए देखिए, ये रेड कलर की हमारी दो लाइनें हो गई। अब आ जाते हैं उल्टे साइड। तो उल्टे साइड देखिए फंदे को किस तरह से उतारेंगे कि ताकि हमारे इस साइड चेन बने। देखिए चेन बनी हुई इधर भी हमारी, और दोनों साइड हमारी चेन बन के आई है। तो देखिए क्या करेंगे हम, जब इस तरह से दोनों कलर का बुनेंगे तो पहले कलर को हम इस तरह से लेंगे जैसे हम सीधा बुनते हैं, ऐसे लिया, धागा अपनी ओर कर देंगे, ठीक है, और इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे। अब क्रॉस नहीं करना है, कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे इसे, बस इसे इस तरह से छोड़ दिया हमने। अब नीचे का धागा उठाएंगे और यहां से 12 फंदों को बुनेंगे। इस फंदे को हम काउंट करेंगे, तो 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी इस लाइन में हमें पूरी ग्रीन कलर की ही बनानी है, ठीक है। तो पूरी सिलाई इसी से बना लेंगे उल्टा उल्टा, और सीधी साइड से भी पूरी सिलाई हम उल्टा बनाते हुए फिर उल्टे साइड आएंगे, फिर उसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलने का तरीका फिर क्या है, ठीक है, किस तरह से करेंगे, और बड़ा छोटा किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी सॉक्स की बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो शुरुआत में जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत किया हुआ था, ठीक है, तो ये दो हमने दो लाइनें बनाई थी यानी कि एक धारी। तो इधर भी हमने एक धारी बनाने के बाद यानी दो सिलाइयां करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की, उसके बाद सारे फंदों को मैंने बंद कर दिया। फंदे बंद करने आपको आते हैं, हर बार मैं बताती हूँ, तो बस उसी सिंपल तरीके से मैंने फंदे को बंद किया है। और दोनों साइड से जो यहाँ से ग्रीन से लेके हमारी इस ग्रीन तक टोटल हमारे पास 44 यहाँ पे धारियां आई है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी 44 धारियां हैं, ठीक है, और इधर से भी हमारी 44 धारियां हैं। और देखिए इसे क्या करेंगे, ये हमारा सीधा भाग है, अब उल्टा कर लेते हैं इस तरह से, ये उल्टा भाग है, ठीक है। उल्टा भाग करने के लिए अब देखिए क्या करेंगे, अब इसकी सिलाई करेंगे, तो किस तरह से वो देखिए। अब देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करनी है हमें, ठीक है, ऐसे रखा हमने। और देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, ये जो कटा हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग देखिए, ये जो कटा वाला भाग है इसे हम इस तरह से अंगूठा निकालेंगे, देखिए ऐसे, ये इस तरह से आएगी हमारी अंगूठा, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ से देखिए इस कटा हुआ भाग को हमें यहाँ से काउंट करना है, ये साइड से ये भाग जो है, यहाँ से हम 11 चेन लेंगे साइड में जो चेन है। तो ये हमारी दो धारियां बनी है, तो दो चेन हमारी यहाँ पे है, तो 2 हो गई, ये 3, फिर ग्रीन वाली 4, ये रेड 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11, और एक यहाँ पे हम लेंगे ग्रीन 12, ठीक है, 12 हमने यहाँ पे फंदे ले लिए। अब इसे हम क्या करेंगे, उल्टा करते हुए इस तरह से हम ऐसे रख लेंगे। अब यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे, उल्टा भाग है ये, तो 12 हमारे यहाँ पे आ रहा। फिर से एक बार काउंट करके दिखा दूं, यहाँ से ये दो धारियां हमारी यहाँ पे है, तो 2 हो गई, रेड वाली 3, फिर ग्रीन 4, फिर हो गई देखिए 2, 3 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, 4, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड वाली है यहाँ पे हमारी 12 आ रही है, तो इस तरह से भी धारियां काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और ये ग्रीन वाली 12, तो यहाँ पे आएंगे हम इस जगह पे, ठीक है, ऐसे लिया हमने, ऐसे ले लेना है। अब इस जगह पे हमें सिलाई करना है इस तरह से पलटते हुए, और जहां से हमने कट लगाया इस जगह पे हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है, धागे पे गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद इसकी सिलाई शुरू करेंगे हम। अब यहां से लेंगे हम इस जगह पे, इस तरह से पक्का कर लेते हैं एक बार। इसके बाद इसको मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे हम, ऐसे लिए, चाहे तब बाकी के यहाँ पे गोलाई में भी सिलाई कर सकती हैं, यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ये कोना निकला हुआ लगता है, तो यहाँ पे आप क्या करें, इस तरह से गोलाई ले लें, ऐसे ले लेंगे,
इस तरह से। इसलिए अब इसे हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे ऐसे, और इसे खींच देंगे। ऐसे खींचने के बाद यहाँ पे हमारी गोलाई आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका कोना निकला हुआ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे पक्का करते हुए हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे, दोनों इसको पकड़ेंगे हम, और यहाँ पे इसके इस तरह से। तो एक साइड का हमने अंगूठा सिल लिया। अब देखिए इधर से जो हमारी पट्टी गई है, तो यहाँ पे हमने 12 लाइन पे यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया उल्टे साइड से, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे ऐसे, ये जो कोना है इसे इस तरह से छोड़ेंगे, और ये यहाँ से हम यहाँ तक इसे सिल देंगे, इस तरह से लेंगे, यहाँ पे निकाल देंगे इसे, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे हमारी ये ऐसे बन गई, देखिए कोना सा बन गया। अब यहाँ से इसकी सिलाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करते हैं, इस तरह से आएगी, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से एक बार और यहाँ पे टाँगते हैं, पक्का करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इसकी सिलाई शुरू कर देते हैं, और चाहे तो आप फिर जैसे मैंने राउंड में बताया उस राउंड में इसकी सिलाई कर सकते हैं। चलिए कर लेती हूँ, फिर कहाँ कहाँ आपको सिलाई करना वो दिखा देती हूँ आपको। अब यहाँ सिलाई करने के बाद देखिए, अभी ये पूरा सिलाई करेंगे हम, ये भाग जो है यहाँ से सिलाई करते हुए पूरा ऊपर तक आएंगे, यहाँ तक पूरा यहाँ से यहाँ तक आएंगे सिलाई करते हुए। फिर ये पीछे भाग जो है ये भी सिलाई करते हुए ग्रीन कलर से हम ऊपर तक आएंगे, ये भाग जो है ये भाग हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है, ये ऊपर रहेगा। देखिए इधर से हमारे दोनों अंगूठे आ जाएंगे, यानी अंगूठा और उंगलियां, नीचे से तलवा पूरा यहाँ से यहाँ से लेके पूरा एड़ी से ऊपर तक आ जाएंगे। सिलाई करती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने सॉक्स को सीधा कर लिया, अब इसमें कितनी ग्राम वो लगे वो देख लेते हैं। इसमें पहले यहाँ पे देखिए 0 दिख रही है इस तरह से, जीरो हो गई, इसको इस पे रखेंगे तो 25 ग्राम ऊन लगी है, यानी कि आपको यहाँ पे 52 ग्राम ऊन में दोनों सॉक्स बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसे पहन के भी दिखा देती हूँ कि कैसे लगी ये पैरों पे। यहाँ पे ये सॉक्स हमारी बन के रेडी हो गई, देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है। यहाँ पे जो हमने 11 फंदे बंद किए हैं, यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे 12 फंदे बंद कर सकते हैं, तो और अच्छे से ये बन के आएगी। देखिए दोनों आपके पंजे और अंगूठे अलग अलग दिखेंगे, और इस तरह से जब आप सिलाई करेंगे अंगूठा का, तो हर बार जो कोना निकला हुआ रहता था, देखिए कोना बिल्कुल भी निकला हुआ नहीं है। ऐसे भी अगर उस सॉक्स में भी अगर आप उस तरह से करते हैं तो कोना निकला हुआ नहीं लगेगा। और ये जो है ऊपर तक आ रही है हमारी, ये चाहे तो यहाँ से क्रोसेस है और ऊपर तक कर सकते हैं। तो इस ये जो फंदे हैं, चाहे तो आप इस फंदे को, जैसे मैंने यहाँ पे 30 फंदे लिए थे, आप यहाँ से 32 से 34 ले सकती हैं, तो ये हमारी ये इतनी दूर तक ऊपर तक आ जाएगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बन के आई है, बहुत ही प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।